दोस्तों, अगर आप भी इरफान पठान व जहीर खान को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम में हमेशा से ही तेज गेंदबाजों की कमी रही है और जब से जहीर खान और इरफान पठान जैसे स्विंग मास्टर भारतीय टीम से अलग हुए हैं तब से ऐसा भारतीय टीम को स्विंग गेंदबाज तो एक भी नहीं मिल पाया। परंतु लगता है कि बीसीसीआई के सिलेक्टर्स की ये लंबी खोज अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय टीम को एक ऐसा तूफानी यंग स्विंग मास्टर मिल चुका है जो कि एक मैच में 10 विकेट अपने नाम कर गया, वो भी अपनी शानदार रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी से। तो आखिरकार कौन है ये दिग्गज युवा गेंदबाज जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमा लिया, वो भी 20 साल की उम्र में? वो सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इन तीनों में से कौन एक बेहतर गेंदबाज है, जहीर खान, इरफान पठान या जसप्रीत बुमराह? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम आज तक जिन भी ऊंचाइयों पर पहुंची है उनमें जितना योगदान टीम के बल्लेबाजों का रहा है उतना ही योगदान टीम के गेंदबाजों का रहता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ज्यादा तवज्जो हमेशा बल्लेबाजों को दी जाती है, लेकिन जितनी इम्पोर्टेंस गेंदबाजों की होती है उतनी बल्लेबाजों की भी नहीं। असल गेम में ये गेंदबाज ही है जो कि किसी छोटे लक्ष्य को डिफेंड कर सकते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य को अच्छी तरीके से बचा भी सकते हैं। इतिहास गवाह है कि भारतीय क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट जीती है तो अपनी शानदार गेंदबाजी के बलबूते पर। इस बात में कोई शक नहीं कि टीम के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में अपने ओहदे को इतना ऊंचा कर लिया कि आज भारतीय टीम की तरफ कोई आंख भी नहीं उठाकर देख सकता। हमारी भारतीय टीम को इन खिलाड़ियों ने हर एक फॉर्मेट में नंबर वन बनाया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत देश में हमेशा एक खतरनाक तेज गेंदबाज की कमी रहती है। जैसे कि अगर जसप्रीत बुमराह अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो भुवनेश्वर कुमार टीम से बाहर बैठे हैं। हो सकता है कि आगे चलकर बुमराह की फॉर्म भी उतनी ज्यादा अच्छी ना रहे, लेकिन इसी बीच लगातार भारतीय टीम में तेज गेंदबाजों की खोज चलती रहती है और लग रहा है कि ऐसे ही बीसीसीआई सिलेक्टर्स की एक और खोज सफल साबित हो गई है, क्योंकि दोस्तों शायद भारतीय टीम में एक ऐसा खिलाड़ी जुड़ने वाला है जिसने 20 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिया जो कि पूरे विश्व में दो ही खिलाड़ी कर पाए हैं। दोस्तों, ये कारनामा किया है मणिपुर के इम्फाल से बिलोंग करते हुए रेक्स राजकुमार ने। इस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में मणिपुर की टीम की तरफ से सिक्किम की टीम के खिलाफ अपना डेब्यू किया था। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ जब इन्हें खेलने का मौका मिला तो इन्होंने एक मैच की एक ही पारी में पूरे 10 विकेट अपने नाम कर लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, इस खिलाड़ी ने पूरे 6 बोल्ड किए और 2 खिलाड़ियों को LBW आउट किया, तो वहीं 2 कैच आउट हुए थे। साथ ही दोस्तों, इसी इकलौते मैच में इस खिलाड़ी ने पूरे 9.5 ओवर में 6 ओवर तो मैडन ही डाले थे। आप इस खिलाड़ी के गेंदबाजी के एक्शन व इसकी खतरनाक स्विंग गेंदबाजी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इरफान पठान और जहीर खान से कम नहीं। हालांकि 20 साल के इस ऑलराउंडर खिलाड़ियों को दोस्तों जहीर खान और पठान से कंपेयर करना पूरी तरीके से सही तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसने अपने आप को साबित किया है। लिस्ट ए के मैचेस में इनके नाम 500 रन है, T20 के मैचेस में 100 रन, तो वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हुए हैं। और दोस्तों, वैसे तो रेक्स राजकुमार अपने देश के लिए रणजी ट्रॉफी में ही खेल रहे हैं, वो मणिपुर की टीम के हीरो हैं जो कि बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में अपना दमखम पूरे देश को दिखा रहे हैं। लेकिन अब ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि अगले IPL के सीजन में पूरी 10 टीमें होंगी, ऐसे में इस खिलाड़ी को जगह जरूर दी जाएगी और उसके बाद अगर वहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो जाहिर सी बात है कि इन्हें भारतीय टीम में नेट गेंदबाज के तौर पर कंसीडर जरूर किया जाएगा। दोस्तों, इस खिलाड़ी की स्विंग गेंदबाजी देखकर आप सभी को क्या लगता है, क्या इस मेहनती युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम में मौका देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।